तो सब सो गए होंगे। अब किचन में जाके कुछ खा लेती हूँ। मम्मा क्या हो गया है आपको? क्यों आप मेरी बात नहीं सुन रही? मुझे इग्नोर क्यों कर रही हैं? कल तक तो आपको अरसलान बहुत पसंद था, अब अचानक क्या हो गया है? देखो, पहले की बात और थी और अब की बात और। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही, ऐसे कैसे बैठे बिठाए उस लड़की का फुरकान के साथ अफेयर हो गया। और मजे की बात यह है कि अरसलान की माँ ने पकड़ भी लिया। उस औरत की नीयत हमेशा से खराब थी और वो हमेशा से अरसलान की शादी तोड़वाना चाहती थी, और देख लो वो कामयाब भी हो रही है। आंटी क्या करती हैं और क्या नहीं करती उससे मुझे कोई मसला नहीं है, मुझे सिर्फ अरसलान से फर्क पड़ता है। बेटा आज सामिया है तो कल तुम्हारी बारी है, और वैसे भी तुम में कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं जो वो तुम्हें सरांखों पे बिठाएगी, सवाए इसके कि तुम एक अच्छी खासी जायदाद की मालिक हो। उस औरत की आंखों में तो सवाए फरेब और लालच के और कुछ भी नहीं, निहायत लालची लोग हैं वो। ठीक है तो मैं अरसलान को यहाँ से लेकर चली जाऊंगी। ऐसे लालची माँ बाप अपने कमाऊ पूत लड़कों को सात समुंदर पार भी नहीं छोड़ते फरिया। यानी मतलब आपके लिए तो अपनी बेटी की खुशी की कोई अहमियत ही नहीं है। फरिया मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ बेटा, अगर तुम इस शादी के लिए इतनी बज़िद हो तो ठीक है कर लो, लेकिन तुम्हें मेरी दो शर्तें माननी होंगी। ठीक है, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। तो ठीक है बेटा, फिर तुम निकाह कर लो, लेकिन ये निकाह सिर्फ इसी सूरत होगा, एक ये कि तुम्हें इस पूरी जायदाद में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी, और दूसरी शर्त मेरी है कि तुम्हारे निकाह से पहले मैं सामिया से मुलाकात करना चाहूंगा। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। देखो लुकना, अरसलान भाई की लाइफ में उनकी गर्लफ्रेंड वापस आ गई है। दोनों ऑफिस में साथ काम कर रहे थे और मैंने पता करवाया है, दोनों के अंदर दोस्ती बहुत ज्यादा हो गई थी। भाभी को भाई पे शक था, उसी शक को दूर करने के लिए उस दिन उन्होंने मुझे ऊपर बुलाया था। वो बहुत परेशान थी, बहुत अपसेट थी, वो ये बात तुम्हें खुद मिलकर बताना चाह रही थी। हम ये बात कर ही रहे थे कि आगे तुम्हें पता ही है।